हेलो गाइज, वेलकम बैक। अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू यू। पूरा कंप्लीट हो गया, मैं अपनी फर्म पे आ गया हूँ क्योंकि आज मुझे जल्दी आना था। सुबह का 10:30 बज रहा है। अभी मैंने ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग स्नैक ले चुका हूँ। आज का वेट आप मेरा चेक कर लीजिए कि आज वेट कितना है मेरा। डे 19 और करंट वेट है 88.1। डे 19 का वेट है ये। वेट आपने देख लिया दोस्तों। यस, वी आर गेटिंग रिजल्ट्स और हमारा बॉडी डेफिसिट मोड में आ गया है। डेफिसिट मोड में क्या होता है, आपको जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी पहले उस नेचर में आ चुकी है। यानी ये चीज़ मैं पहले कर चुका हूँ अपना वेट लॉस जर्नी, तो वो उसमें मेरे को जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। मैं पूरा अपना गोल कंप्लीट करने के बाद फिर आपको एक एलैबोरेट पूरा एक डीप व्लॉग बनाऊंगा कि मैंने ये चीज़ कैसे किया और इतने जल्दी रिजल्ट कैसे मैंने। वो उसके 3 स्टेप्स हैं जो मैं आपको ये गोल कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा। तो आपने वेट चेक किया, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे को मोटिवेट करता है दोस्तों। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को इतना मोटिवेट करता है कि मेरे को नई नई चीज़ें फिर आइडियाज़ डालने का मन होता है अपने व्लॉग्स में। तो आप मेरे को सपोर्ट करते जाइए, मैं ऐसे ही आपको रिजल्ट बताते जाऊँगा। और आपको जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, आप तो मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो अभी हम सीधे मिलते हैं लंच पे। लंच शायद हम घर पे करें या यहाँ करें, वो अभी भी डिसाइडेड नहीं है, पर मैं आपको लंच बताऊंगा कि आज लंच क्या कर रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी बज रहा है 1:30 बज रहा है। मैं लंच करने जा रहा हूँ। लंच में आज मैं ले रहा हूँ, देखिए लंच में मैंने लिया ओट्स और लौकी, लौकी की सब्जी। ये मेरा आज का लंच है। लंच करने के बाद जो इवनिंग स्नैक और इवनिंग स्नैक 2 होगा वो सेम रहेगा, यानी ग्राउंड नट्स इवनिंग स्नैक में और इवनिंग स्नैक 2 जो हम पपाया लेते हैं डिनर से पहले वो लूँगा, इसलिए मैं उसको कवर नहीं करूँगा। अभी इसको फिनिश करके हम सीधे मिलेंगे आपको डिनर पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। इट्स 9:30 इन द नाइट एंड वी आर हेडिंग फॉर डिनर। और डिनर में मैं ले रहा हूँ, देखिए डिनर में मेरा सिंपल ओट्स। इसमें मैंने दूध डाला है, मिल्क ऐड किया है इसमें ओट्स में। और ओट्स में रेगुलर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आई एम ट्राइंग फॉर एब्स बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि एक बार जब बन जाएगा एब्स फिर मैं आपको पूरा बताऊँगा बॉडी स्ट्रक्चर अपना। अभी वो प्रोसेस में है, प्रोग्रेस कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। और वेट लॉस हमारा रेगुलर होता है, आप देख रहे हैं कि रेगुलर होते जा रहा है क्योंकि अब हम डेफिसिट मोड में आ गए हैं अपनी बॉडी में। जो आपकी बॉडी एक लेवल पर आती है जिसमें आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो आप, जैसे क्योंकि आपको एक चार्ट मिल गया है, एक आपको डाइट फॉलोअप करने को मिल गया है, उसकी वजह से आप उसको इजी मूव करा सकते हो अपनी बॉडी को। हेल्थ से रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज हैं वो सब मेरे से आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। जितना भी आपको पूछना है, कुछ भी पूछना है, एक्सरसाइज कोई भी टॉपिक हो, आप बेहिचक मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। क्या क्या एक्सरसाइज होती हैं ये सभी को मालूम है। आजकल बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं एब्स के लिए, वेट लॉस के लिए। मैं उन्हीं एक्सरसाइज को देख के अपना वर्कआउट करता हूँ, कोई मेरा स्पेशल एक्सरसाइज नहीं है। और ये सब चीज़ें अपने आप आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है। जितने आप उसको रूटीन में डाल देते हो तो अपने आप बॉडी आपकी उस शेप में आने लगती है जैसा आप चाहते हो। एंड येस, वी आर 88 नाउ, मतलब 88 तक आ गए। 85 मेरा गोल है और वो भी बहुत जल्दी आने वाला है जो आपको मैं दिखाऊंगा। 85 होने के बाद हम अपना वेट लूज प्रोग्राम बंद कर देंगे क्योंकि उसके बाद आप एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी वीक होने लगेगी। उतना वेट लूज नहीं करना है आपको, एक मिनिमम लेवल पे जितना आप फिट रहें। 88 पे मेरा बॉडी बिल्कुल फिट रहेगा क्योंकि मेरा हाइट 6'1" है, 6'1" और वेट के हिसाब से 85 ठीक है जितना मैं जानता हूँ। ये चीज़ फोकस रहेगी, अब ये रूटीन में रहेगा मेरा। तो मैं क्या मील्स ले रहा हूँ, कैसे प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन में भी आपको आगे ब्लॉग्स में बताऊंगा। एंड थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतने अच्छे कंटेंट मैं आपको ला के दूंगा। अच्छे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स रहते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके शेयर और लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई चैनल विद फैमिली फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।